नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज मेरे परिक्रमा का 62वां दिन है। सुबह के 7:53 हुए और रात्रि में मैं बैठे गांव में यहाँ पे इस मंदिर में रुका था। पीछे ही रात्रि का ये आपने कार्यक्रम भी देखा कि किस तरह से अपने पुराने अंदाज में वो बड़े बड़े ढोल को बजा रहे थे। आज सुबह में मतलब रात्रि में ही ये लोग ढोल बजाते हुए पूरे गांव में इकट्ठे होते हैं और फिर उस ढोल को लेके अब एमपी में जाएंगे। तो उम्मीद है कि जब मैं एमपी के अंदर एंटर करने वाला हूँ, लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के बाद मैं गुजरात बॉर्डर से एमपी में चले जाऊँगा, तो एमपी में मुझे वो कार्यक्रम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत ही कमाल का दिन रहा था कल का। ये जो मैं सोच नहीं रहा था ये ऐसा होता है, वैसा हो रहा था। खैर फिलहाल तो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं आनंद में नर्मदे हर। आठ बजकर 42 मिनट और 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा अभी तक मैंने तय करी है। पीछे बैठ के मैं चाय और टोस्ट ले रहा था आनंद में। ये बता रहे थे कि काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ से गुजरते हैं और ये उनकी सेवा करते हैं। वो पैसे भी देने की कोशिश करते हैं पर इन लोगों का विश्वास इतना अटूट है कि एक पैसा नहीं लेते, बोले देने वाला तो वो है। हमारा कर्म है धर्म करना और उसके लिए हम कुछ नहीं लेते। मैया सब देती है और हम खेती करते हैं और इतना मिल जाता है कि हम सबको प्यार से खिला सकें। ऐसी भावना आपको सिर्फ भारत देश में ही देखने को मिलेगी। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जब विदेश भ्रमण करूँगा और वहाँ का पता चलेगा तो वहाँ के बारे में बताएंगे। फिलहाल तो ये कृपा भारतवर्ष में ही, हमारी संस्कृति भारतवर्ष में ही देखी जा रही है। खेतों के बीच में से निकलने के बाद अब ये सड़क मार्ग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हालांकि यहाँ जल्दी सड़क बन जाने वाली है पर इस छोटे से पहाड़ी को पार करके हम पहाड़ के अब दूसरी तरफ निकल रहे हैं। देखिए ऐसे दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और गाना बज रहा है यहाँ आमिर खान का, ऐ मेरे हम सफ़र। इतना राजाशाही ज़िंदगी जी रहा है बंदा कि ऐसे इन पहाड़ों के बीच में सिर्फ अकेला उसका घर और फुल ऑन म्यूज़िक और चारों तरफ बस वही वह गाने का आनंद लेते हुए, जैसे तो ये पूरा साम्राज्य उसी का हो। क्या राज्य है क्या देश, किसी से कोई मतलब नहीं। अपनी खेती, अपने गाने, अपना आकाश, अपनी ज़मीन, अपनी हवा, अपना पानी। कल मुझे चलते चलते एक और ख्याल आया कि वाकई में क्या हम आज़ाद हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ी देर बाद में इस मुद्दे पे भी बात करते हुए परिक्रमा में आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कितना दूर है बखतगढ़ यहाँ से? ये थे आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर हमने दिखा रहे, ये इसमें नहीं दिखा रहा, ये कच्चे कच्चे रास्ते दिखा रहे हमने, कच्चे कच्चे रास्ते जाना। हाँ ठीक है, चलो नर्मदे हर नर्मदे।
देखिए ये बिल्कुल नेचुरल है, लाइट जाने पे चिल्लाना, लाइट आने पे चिल्लाना, ऐसे पहाड़ों में जाते वक्त चिल्लाना, उस गूंज को सुनना, खुद को सुनना, कुएं में नीचे मुंह करके पानी में अपना चेहरा देखना और फिर चिल्लाना, ये चिल्लाना सिर्फ चिल्लाना नहीं है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो खुशी आनंद और दूसरा खुद से बात करना, एहसास होना खुद के होने का। अरे महाराज मुझे दूध वाली चाय पिलाने वाले हैं, नर्मदे हर महाराज। ये देखिए हमारी यहाँ पे चाय तैयार हो गई है चूल्हे में, है ना। बहुत बढ़िया महाराज। अब मैं और महाराज यहाँ पे चाय का आनंद लेते हुए दोस्त के साथ में, नर्मदे हर। तो चलिए महाराज, महाराज के साथ गुजरात की आखिरी चाय पीते हुए हम यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज की दो धर्म पत्नियां हैं और सात बच्चे हैं। चले महाराज, नर्मदे हर। तो चलिए यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हम MP में एंटर कर जाएंगे। तो आनंद में यहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से आ रहा था टाँकी में, नर्मदा का पानी, तो मैंने अपने कमंडल में यहाँ से पानी लिया और वहाँ पहाड़ के ऊपर गया था। नर्मदे हर। हम 11 बज चुके हैं और मैं बखतगढ़ में आ चुका हूँ। ये MP के अलीपुर ज़िले के अंदर आता है। पीछे आप देख रहे होंगे जिस गांव से अभी हम निकल के आए, तो बस ये बॉर्डर के ऊपर ही बहुत अच्छा गांव था, काफ़ी कुछ सामान मिल रहा था और काफ़ी अच्छा स्थान है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे आश्रम है, आश्रम पे चलते हैं और फिर थोड़ा विश्राम करते हैं। तो मैं यहाँ उषांग के साथ में और परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए, हम दाढ़ी मूछ तो नहीं कटा सकते लेकिन उषांग ने मेरे को थोड़ा सा मसाज दिया और थोड़ा स्किन को सही करा, शुक्रिया उषांग। नर्मदे हर। भोजन का वक्त हो रहा है लेकिन ये मंदिर शायद वो आश्रम या अन्न क्षेत्र नहीं है जहाँ पे परिक्रमा वासी रुकते हैं। तो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैंने चाच पूछी थी, इन्होंने 2-3 घरों में पूछा लेकिन चाच यहाँ पे मिली नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे 2 किलोमीटर की परिक्रमा तय करनी है, फिर जाके एक आश्रम है। तो उन्होंने बात करके बताया आगे एक घर है, वहाँ पे जाके और पूछने को बोला है, वहाँ पे मिलेगी। हालांकि चाच थोड़ी खट्टी है पर कोई बात नहीं, चाच होनी ज़रूरी है। नर्मदे हर। मैं गलत मशीन पे चला गया था, मशीन आगे वाली भी एक और है, गर्मी बहुत तेज है इसलिए छाछ की सख्त ज़रूरत है। 12 बज गए हैं दोपहर के और तकरीबन 10 किलोमीटर के पास तो मैं अभी तक परिक्रमा में आ चुका हूँ। चलिए मशीन आ गई है और ये यहाँ पे घर, चल के पूछते हैं क्या मिलेगा हमको। आते देख भैंस थोड़ी विचलित हो चुकी है और ये देखिए कुछ नहीं होगा,
रहा है, अभी थोड़ी सी चिंतित और घबरा के कुछ छूटे नहीं। और ये यहाँ पे बच्चे और मैया, नर्मदे यार मैया, वो थोड़ा छाछ पिला दीजिए ना, वहाँ पे बोला था उन्होंने। मैं अम्बू भाई के साथ में बैठा हूँ अभी। हाँ। और यहाँ पे बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है और बाहर बहुत तेज धूप है, तो थोड़ी देर हम यहीं पे छाछ पी के विश्राम करेंगे। ठीक है महाराज। हाँ। फिर आराम से परिक्रमा को आगे बढ़ा। तो भी है कि अंदर भी बैठ के आराम करा, लेकिन बाहर पेड़ की छाया में बैठ के पीने का मजा ही अलग है। सभी के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। नर्मदे यार, चलिए यहाँ से परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हैं। डकार भी आ गई है। नर्मदे यार, नर्मदे यार, देखिए एमपी के अंदर आपको ये पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर तक नजर आएंगी, और ये सीमेंट का ये मार्ग, सीमेंट की सड़कें, क्या आनंद आ रहा है। हवा चल रही है और मैं कुछ गाने भी गुनगुना रहा हूँ। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारों क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार। ये एक और अन्य क्षेत्र आया है, यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी अपना भोजन बना के पाके उसे अब विश्राम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आगे ही बढ़ा जाए। धूप भी बहुत तेज है और परिक्रमा भी आगे बढ़ानी है। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि किस तरह से चारपाई की बुनाई हो रही थी। पाट की बुनाई चल रही है। अरे वाह, क्या नाम है आपका? यहाँ पे ये एक दुकान थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करा जाए और यहाँ से इस प्रकृति का आनंद लिया जाए। तो पहले आपने कहाँ तक पढ़ाई करी थी? आठवीं तक? आठवीं तक करी थी। फिर छोड़ दी थी? फिर छोड़ दी। शादी हो गई थी इसके लिए? हाँ। अच्छा, अब फिर से? फिर से वापस कोशिश कर रही हूँ। दसवीं में कितने परसेंटेज बने? दसवीं में? हाँ, 52%। अरे वाह। तो फिर 11वीं भी दे दिया, 12वीं की तैयारी कर रहे हो? हाँ। बहुत बढ़िया। आपको देख के और भी गाँव वाले सीख रहे हैं पढ़ने का? नहीं, दूसरे नहीं, कोई नहीं करते। दूसरे कोई नहीं करते। हाँ। तो आप साथ में दुकान भी संभाल लेते हो और पढ़ाई भी करते रहते हो। हाँ। तो स्कूल कब जाते हो या घर पे ही पढ़ लेते हो? स्कूल नहीं जाते। अच्छा, घर पे पढ़ के तैयारी करके देते हो? घर पे पढ़ के तैयार करके जाते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए नर्मदे हर। 2:07 और यहाँ पे मैंने तकरीबन 20-25 मिनट का विश्राम लिया और फिर थोड़ी मैया से चर्चा करी। बड़ा ही अच्छा लगा खुद से जागरूक होना और खुद फिर पढ़ाई करना और अपने आप को मोटिवेट रखना, बड़ी अच्छी बात है। वैसे अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस काम करते रहिए। किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत तब होती है जब आपको करना नहीं चाहते, जब आपको करना ही वो है, तो फिर मोटिवेशन कैसा। आनंद में रहिए। नर्मदे हर। इतनी तेज़ धूप में अकेले मैं ही नहीं था जो चल रहा था, और भी लोग थे जो काम कर रहे थे। अब हम कोसरिया गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यहां से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे है।
इस वृक्ष के पास और इस पत्थर पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद में यहाँ से एक आश्रम बताया जा रहा है, अभी अभी गूगल मैप पे देखा। पहुँचते हैं वहाँ पे, थोड़ी थकान आने लगी है। अब भोजन प्रसादी आज हुई नहीं है, छाछ टोस्ट चाय इसी के ऊपर अभी काम चला है। नर्मदे हर। जब आपको पहाड़ों के बीच में दूर तक अपना मार्ग दिख रहा हो, लेकिन ऐसे ही कड़क धूप में न कोई छाया वाली जगह और न ही कोई आराम करने के लिए झोपड़े, न ही कोई दुकान जहाँ से आपको पानी मिल जाए, कुछ ठंडा मिल जाए, सिर्फ सुनसान रास्ते और जो चरवाहे भी हैं वो भी कुत्तों को दौड़ा रहे हैं। ऐसे खुले मैदान में परिक्रमा बढ़ते हुए बच्चे आके बोले कि कुछ मिलेगा खाने को, मैं बोला मैं भी यही ढूंढ रहा हूँ। तभी मुझे याद आया कि मेरे बैग के अंदर कुछ रखा हुआ है, ये रोस्टेड चने, तो हम लोग मिल के खाएंगे, है ना। धर्मदे हर। और हम आनंद लेते हुए रोस्टेड चने का, है ना, मजा आ रहा है, अच्छे लगे, ठीक है, मैं भी खा लूँ ना। पहाड़ के ऊपर आधे धूप और आधे उस बादल की छाया थी। मैं इंतजार में था कि थोड़ी छाया मुझ पे भी आए। मुझे यहाँ पे एक परिक्रमावासी मिले जो साइकिल पे सवार थे। नर्मदे हर। तो देखिए इस वृक्ष के नीचे ठंडी पवन लेते हुए हम दो परिक्रमावासी, मैं 11 नंबर से तो ही 11 नंबर से दो पहियों को दौड़ाते हुए साइकिल से, और महाराज की दूसरी परिक्रमा है। पिछली बार भी महाराज यहाँ से गए थे तो पूरे मैदान में कुछ नहीं था और ये सड़क मार्ग भी नहीं था, तो ये गांव भी नहीं थे और सिर्फ यही एक वृक्ष था जिसके नीचे इन्होंने विश्राम करा था। आज फिर इतने सालों बाद में फिर से वहीं पे रहे। काफी चेंजेस आ गए ना पहले से, ऐसा लगता है कि हम इंडिया रियली ग्रोथ हो रहा है। बढ़िया। तो देखिए बढ़ते देश के साथ में आप भी बढ़ते रहिए, कुछ करते रहिए, आनंद में रहिए। नर्मदे नर्मदे। वक्त के लिए बादल ने सूर्य को ढक लिया था और अब मैं थोड़ा परिक्रमा में आराम से छाँव में आगे बढ़ रहा था। तभी यहाँ पे मुझे ये अन्न क्षेत्र और आश्रम नज़र आया। यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए रुकने के लिए भी व्यवस्था है और यहाँ पे भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं कोसारिया में ये आश्रम से अन्न क्षेत्र से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ अट्ठा के लिए। सुबह से अभी तक लगभग मैं 16 किलोमीटर की परिक्रमा कर चुका हूँ और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी और मुझे तय करनी है अट्ठा के आश्रम में पहुँचने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ में आनंद में। नर्मदे हर। यहाँ पर मैंने थोड़ी चाय पी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आज एकदम शरीर स्वस्थ तरोताज़ा महसूस कर रहा है और जल्दी हम पहुंच जाएंगे अट्ठा पे और देखते हैं वहाँ शाम कैसे गुजरेगी। तब तक नर्मदे हर। तो शाम के 5:15 और मैं पहुंच गया हूँ अट्ठा गांव के अंदर। आज की दूरी रही तकरीबन 18 किलोमीटर और कदम रहे 26,901। रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे और आनंद में रहेंगे। क्षेत्र कैसा है बताऊं तो चारों तरफ पहाड़ियां और अभी अभी मुझे पता चला कि जो कड़ी पानी से हम लोग हफेश्वर होके आते हैं तो वो जो पहाड़ी का मार्ग है वो इधर से आके यहाँ पे जुड़ता है और अभी भी हम लोग मैया के साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि
जितना भी क्षेत्र है पहाड़ के उस तरफ में मैया के पास में सब डूब क्षेत्र में है। तो हम काफ़ी दूरी से मैया से इस सड़क मार्ग से निकलेंगे। हालांकि मार्ग बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैया से दूर है लेकिन कहीं पे भी ऐसा शहरी वातावरण या ऐसा शोर नहीं था कि ये परेशान हो। बिल्कुल आनंद में एकदम सड़क मार्ग पे भी चल रहे हैं। दोनों तरफ प्रकृति, चाहे सूखे पहाड़ों, खुला मैदान हो, तेज़ धूप हो, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक जैसा शोर नहीं था तो एकदम सुकून से हम लोग आराम से मैया से जुड़े हुए थे और आनंद में आगे बढ़ रहे थे। शाम हो चुकी है और थोड़ा यहाँ के घरों पे जाके देखते हैं, लोगों से मिलना हुआ तो लोगों से मिलते हैं, कैसा है यहाँ का रहन सहन, जीवन, कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। धर्मदेहर।